गदर एक प्रेम कथा 15 जून 2001 को रिलीज हुई थी, पर आपको क्या पता है कि उसी का सेकेंड पार्ट आ रहा है, गदर 2 द कथा कंटिन्यूज। गदर 2 का रिलीजिंग डेट 11 अगस्त 2023 है। 11 अगस्त इसलिए क्योंकि जब आप गदर एक प्रेम कथा मूवी देखे होंगे तो उसमें तारा सिंह यानी कि सनी देओल एक देशभक्त थे, इसलिए गदर 2 को इंडिपेंडेंस डे के मौके पर रिलीज किया जा रहा है। गदर एक प्रेम कथा में यही दिखाया जाता है कि कैसे तारा सिंह यानी कि सनी देओल अपने बेटे जीते यानी कि उत्कर्ष सिंह के साथ पाकिस्तान चले जाते हैं, अपने बीवी सकीना यानी कि अमीषा पटेल को पाकिस्तान से भारत वापस लाने के लिए। लेकिन इस बार कहानी को पूरी तरह से बदल दिया गया है। गदर एक प्रेम कथा में सनी देओल अपने बीवी को इंडिया लाने के लिए पाकिस्तान गए थे, पर गदर 2 द कथा कंटिन्यूज में सनी देओल अपने बेटे की जान बचाने के लिए इंडिया से फिर से पाकिस्तान जाएंगे। एक्चुअल में गदर 2 की कहानी 1970 में हुए भारत पाकिस्तान के बीच की लड़ाई के आसपास घूमती दिखाई देगी। गदर 2 में 5 साल का छोटा बच्चा अब एक सोल्जर बन जाएगा, मतलब कि उत्कर्ष सिंह एक भारतीय सैनिक का रोल निभाएंगे, और जब उनकी जान पर खतरा बन जाएगा तो उनकी जान बचाने के लिए सनी देओल फिर से पाकिस्तान जाएंगे। अब देखना यह है कि गदर 2 द कथा कंटिन्यूज हिट होता है या फ्लॉप, क्योंकि गदर एक प्रेम कथा का बजट 18.5 करोड़ था और इस मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 112 करोड़ है, लेकिन गदर 2 द कथा कंटिन्यूज का बजट 100 करोड़ है और अनुमान लगाया गया है कि इस मूवी से पहले ही दिन 25 से 30 करोड़ का कलेक्शन किया जा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाएगा या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।